इफ़ेक्टिव होम रेमेडी बताऊंगी जो कि है बैक पेन, जॉइंट पेन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसे हमारे पंजाब में संढोला बोलते हैं। आई डोंट नो आपके यहाँ ये बनाते हैं या नहीं, हम बहुत ट्राई करते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। इसके लिए बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने सौंठ पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून गेहूँ का आटा और 1 पेसी गुड़ की ली है। ऐसे आप चाहें तो पिसी हुई भी ले सकते हैं शक्कर, और ये प्योर घी है देसी घी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये होम रेमेडी। ये देखिए शक्कर को हमने ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लिया है, क्रश कर लिया है। पैन हमने रख दिया, इसमें हम प्योर घी डाल देंगे। 2 टेबल स्पून ये हमने लिया है देसी घी। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए घी हमारा मेल्ट हो रहा है। इसे हमेशा आप प्योर घी में ही बनाएं, देसी घी में बनाएं। अब गेहूं का आटा डाल देंगे, ये भी 2 टेबलस्पून है। आटे को अच्छी तरह हिलाते हुए हम पका लेंगे ताकि आटा कच्चा ना रहे। इस टाइम पे ना आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके फ्लेम है जो स्लो रहे, क्योंकि नहीं तो जो गेहूं का आटा हमने डाला है वो जल जाएगा। अब हम सौंठ पाउडर डाल देंगे, क्योंकि हमारा गेहूं का आटा थोड़ा गोल्डन हो चुका है, तो अब हम सौंठ का पाउडर डाल देंगे और साथ ही हम शक्कर भी डाल देंगे, गुड़, जैगरी। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही इफ़ेक्टिव गाइस ये होम रेमेडी है। अगर आपको बैक में पेन है या जॉइंट पेन है, आप ये लीजिए। विंटर्स में ये बहुत अच्छी है वैसे भी खाना, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह से हम हिला लेंगे ताकि जो हमारा गुड़ डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो उनकी तासीर गर्म है, तो ये विंटर्स में आप सभी ले सकते हैं। कोल्ड के लिए भी बहुत अच्छा है ये। जो भी रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं। हम खुद पहले हमारा तजर्बा होता है, हम खुद ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये लीजिए हमारा जो गुड़ है बिल्कुल हो चुका है, और हमारा ये सुढोला, ये होम रेमेडी जॉइंट पेन और बैक पेन के लिए तैयार है। ये लीजिए हमारा जो सुढोला है, होम रेमेडी हमारी तैयार है। जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिए कितनी बढ़िया लुक आई है, और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।